हे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे आरआरवी ईवी चैनल में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो ई कंपनी की जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि ये मेरी खुद की डीलरशिप है, जहाँ पर मैं आपको जो ई बाइक के जितने भी मॉडल आते हैं, जितने भी वेरियंट आते हैं, उन सबके बारे में मैं आपको इसमें डिटेल रिव्यू बताऊँगा। और अभी तो मैं फिलहाल थोड़े थोड़े शॉर्ट में वीडियो डाल रहा हूँ, कुछ टाइम बाद जैसे कि मेरा जब कुछ सेटअप हो जाएगा, इसके बाद मैं आपको इसमें फुल रिव्यू और फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा आपको लेकर, कि कैसे ये वेरिएंट है, किस तरीके की इसमें हमको माइलेज मिलती है, माइलेज सॉरी रेंज बोल सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो ई बाइक कंपनी की तरफ से आने वाले जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, जितने भी इसके मॉडल आते हैं, उसमें कौन कौन से और क्या क्या उसमें रेंज मिलती है, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ है और क्या क्या हमको उसमें देखने को मिलता है। तो अभी मैं फ़िलहाल मेरे पास जो अभी मॉडल आया हो वो आरटीओ मॉडल आया हुआ है, जिसको हम जॉय बल्ब प्लस के नाम से जानते हैं, और जॉय नानू जेन नेक्स्ट प्लस के बारे में जानते हैं। तो अभी मैं इसमें अभी दो मॉडल कंपनी ने लॉन्च करे हैं, एक सेम मॉडल में, सेम कैटेगरी में, इको मोड में, जहाँ पर आपको प्राइस कम मिल जाएगी और बहुत सारी जो फीचर्स है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो फिलहाल मेरे पास जो मॉडल हैं, अभी मेरे पास दो मॉडल अवेलेबल हैं, जॉय नानू जेन नेक्स्ट प्लस और बोल्ट प्लस। तो अभी मैं आपको बोल्ट प्लस और नानू जेन नेक्स्ट प्लस के बारे में बताऊँगा कि क्या क्या इसके फीचर्स हैं और क्या क्या इसमें वेरिएंट में हमको डिफरेंट मिल जाता है अलग वेरिएंट से। कंपनी की तरफ से तीन वेरिएंट में स्कूटर निकाले गए हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं लो रेंज वाले, जो कि नॉन आरटीओ में आते हैं, जिसमें हमको बल्ब मिल जाता है और नानू जेन नेक्स्ट मिल जाता है। इसी का ही अपग्रेड वर्जन है, जहाँ पर हमको आरटीओ मॉडल मिल जाता है, सेम नेम से आता है, बट इसमें ईको लगा दिया गया है। और इसमें क्या हुआ, थोड़ी सी बैटरी को ये जो रेंज है वो बढ़ा दी गई है, और इसका सबसे टॉप एंड वेरिएंट आता है, जो कि है हमारे पास नानू जेन एक्स प्लस और वोल्ट प्लस। तो इन तीनों के बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा और तीनों का कंपैरिजन भी बताऊंगा। फिलहाल मैं अभी आपके लिए लेके आया हूँ जो मेरे पास मॉडल अवेलेबल है नानू जेन एक्स प्लस और वोल्ट प्लस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ वोल्ट प्लस के बारे में। इसमें आपको काफ़ी अच्छा स्टाइलिश मॉडल मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, कनेक्टिंग ऐप के फीचर्स मिल जाते हैं, ड्यूल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, बैटरी 60 वोल्ट 36 एम्पीयर की मिल जाती है, और आपको लाइट नाइट में लाइट के साथ इसकी रेंज टेस्ट की गई, जो कि मुझे जो मिली, मैंने खुद जो चलाई वो 105 किलोमीटर चलाई हुई है। इसके अलावा अगर इको मोड में ही है, बाकी इको और डुअल जैसे स्पोर्ट मोड है, दोनों में अगर हम कंपेरिजन करें तो कंबाइंड मिलकर ये अपन को लगभग लगभग 80 से 85 रेंज प्रोवाइड कर देती है फुल बैटरी चार्ज पर। तो अभी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि हम जो जो है ई बाइक की तरफ से एप्लीकेशन आती है, उसको हमारे जो हम मॉडल अगर परचेस करते हैं तो किस तरीके से हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जाकर एंड्रॉयड या एप्पल स्टोर पर जाकर आपको जो ई बाइक लिखना रहेगा, जो ई बाइक, देन आपको कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन मिल जाएगी जो ई बाइक की। तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब हम इसको ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाता है जो ई बाइक का। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट कर दिया, देन हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हमको ओटीपी मिलता है, जिसको यहाँ पे आपको नाम सेव कर लेना था, जैसे कि मैं मेरे भाई का नाम सेव कर देता हूँ अनुज। देन इसके बाद ये लोडिंग होगा, आपको इसको सेव हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि ये इंटरफेस खुल गया है इसका, पूरी जो ई बाइक का पूरा इंटरफेस खुल गया है। अब इस एप्लीकेशन को हम हमारे जो जो ई बाइक हमारे पास स्कूटर है बोल्ट प्लस, उससे कनेक्ट करके देखते हैं तो कनेक्ट कैसे होगा, मैं आपको शो। तो हमारे पास ये जो चाबी है, इसमें दो हमारे रिमोट आते हैं, आप ये अच्छे स्टाइलिश चाबी है इसकी, कुछ इस तरीके से दिखती है। देन हम क्या करेंगे, जो इसके में बार कोड आता है, यहाँ पे मैं ये बार कोड है, यहाँ पे इसके चेसिस नंबर आते हैं, यहाँ पर मोटर नंबर आता है, बैटरी नंबर आता है, ये सारी डिटेल इस कार्ड पे लिखी रहती है। देन हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे ऐड, इसको देन ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ऐड क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमको क्यूआर कोड का सिंबल मिलता है, इसको हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसने क्यूआर कोड ले लिया है, हम यहाँ बाइक का नाम डाल देंगे, कौन सी हमारी बाइक है, देन विन नंबर हमको नहीं डालना, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ। जब कोई कस्टमर लेगा तो मस्ट टाइम इसको फुल वीडियो बना के आपको शो करूँगा किस तरीके से वर्क करता है। जैसे हम इसमें वोल्ट प्लस डाल देते हैं,
देन सबमिट कर देते हैं। अब हमारी ये वन प्लस आ गई, अब बैटरी लगी हुई है, मैंने बैटरी को चार्ज नहीं किया, अभी देखिए बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है, मैंने सिर्फ ऐप को कनेक्ट किया है, बाइक में चालू है, स्विच ऑफ है, ठीक है, ये मैंने सिंक करा है, मेरी गाड़ी कहाँ पर है, किस लोकेशन पे, ये सारी चीज़ शो कर रही है। तो यहाँ पर ये बैटरी आ गई है, जैसे मैंने जो ये बाइक में अपना वन प्लस मॉडल डाला तो ये ब्लैक कलर में मेरे पास है, सेम यही का यही कलर इस एप्लीकेशन में शो हो गया। बैटरी परसेंटेज कितना है यहाँ पे शो हो रहा है, रेंज कितनी मिलेगी मेरे को वो भी शो हो रहा है, देन कहाँ पर मेरी व्हीकल खड़ी हुई है वो भी मेरे को शो हो रहा है। देन अगर हम जैसे गाड़ी ऑन करेंगे तो ये उस जगह पे ये जैसे कि ये स्टार बना रहा है, तो मतलब वल्ब का शाइन बना रहा है, तो मतलब ये गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है जो कि मेरा करंट लोकेशन दिखा रहा है। अब हमको गाड़ी से इसको कनेक्ट करेंगे, उससे पेयर का ऑप्शन दबाना है, इसके बाद हमारी जो ऑन द लोकेशन है वो उस गाड़ी पर शो हो जाएगी, बस इतना सिंपल है, इसके अलावा कुछ नहीं करना रहता है। इसके बाद आपको सिर्फ अपनी गाड़ी का स्विच ऑन करना है, देन ऑन करने के बाद आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगी ब्लूटूथ के ज़रिए, और हमारी गाड़ी का पूरा सारा सिस्टम यहाँ पे शो हो जाता है। देन इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन में हमको और क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मेरे पास ये वॉल प्लस का ब्लैक कलर है जो यहाँ पर शो हो गया है, और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज कितनी चार्ज है, गाड़ी बंद है फिर भी मेरे को बता रहा है कि मेरी जो स्कूटी है उसकी बैटरी परसेंटेज कितना है, रेंज कितनी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हाइपर मोड में है जिसमें स्पीड आपको 65 किलोमीटर मिलती है, अगर यही चीज़ मैं आपको इको मोड में करता हूँ तो ये 50 किलोमीटर की रेंज मेरे को प्रोवाइड कर देता है, और मैंने रियल टाइम बता रहा है, रियल टाइम मैंने सिंक किया इसको 10:11 पे, तो ये शो हो रहा है, और मेरी गाड़ी की लोकेशन क्या है तो ये मेरे को ये गाड़ी की लोकेशन शो कर रहा है यहाँ पर, जो कि मैं अभी करंट में खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए। देन इसके बाद हमको क्या क्या मिल जाती है, जैसे ये ब्लूटूथ पेयरिंग आ रहा है, तो जैसे आप गाड़ी को ऑन करते हैं तो इसमें स्पीडोमीटर पर ब्लूटूथ से आप पेयर हो जाओगे, तो वो आपको जो ये उसमें जो डिजिटल मैप दिया गया है वो पूरा शो हो जाएगा आपका। देन इसके बाद हम देखते हैं इसमें अपन को क्या क्या चीज़ मिल जाती है एप्लीकेशन के इंटरफेस के अंदर। जैसे हम इसमें क्लिक करते हैं, ये हमारा प्लान ट्रिप है कि हमारा प्लान ट्रिप है कि ये हमारा प्लान ट्रिप है कि हम ट्रिप कर सकते हैं, जैसे कि प्लान ट्रिप करेंगे हमें कौन से डेस्टिनेशन से कितने किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर में, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पर मुझे राधोगढ़ से, जो कि मेरा लोकेशन है राधोगढ़ से, ठीक है, मुझे कहाँ जाना है, गेल, मैंने गेल इंडिया डाल दिया। जैसे कि मुझे गुना डालना है, गुना मध्य प्रदेश आ गया, देन अगर मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ तो मेरे को वन वे डालना है, तो लेट्स गो कर दूँगा मैं, तो अलाउ करूँगा तो ये मेरा मैप आ गया इसमें, ये देखिए यहाँ से कितना किलोमीटर है, फुल चार्ज है, 1 आवर लगेगा मुझे, अप्रोक्स 30.58 किलोमीटर है अप्रोक्स यहाँ से गुना, यू हैव 50-40 रिमाइनिंग ये है, तो मुझे इसको एक चार्ज करना पड़ेगा फुल चार्ज, जिसके बाद मेरे को 11.18 किलोमीटर मेरा नीड है यहाँ पर सिंगल वे में जाने का, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है, ठीक है, मैप में। तो ये हमारा ये हो गया इस एप्लीकेशन के अंदर। देन हम ये सेकंड पे क्लिक करते हैं तो प्लान ट्रिप हमारा हो चुका है, देन हम इसके बाद इस पर जाते हैं, यहाँ पर ही हमारे पास ये ड्राइव के देते हैं ट्रिप्स, ट्रिप अपन ने कराई नहीं तो यहाँ पर शो नहीं होगा, तो यहाँ पर शो होता है कि हमने कितने और अपनी गाड़ी को ड्राइव किया है, टोटल हमने डिस्टेंस कितना करा है, टोटल ट्रिप्स हमारी क्या रही है, और जो हम कितनी एवरेज स्पीड में इसको चलाते हैं, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, यानी डिस्टेंस और स्पीड पूरा एनालिटिक कर लेता है। देन अगर हमारी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये सारी चीज़ें देखिए सेंसर पूरा बता रहा है बैटरी में, टाइम 15 मिनट के अंदर कितना क्या है, 24 आवर के अंदर कितना क्या रहा है, लास्ट 27 तक का भी बताता है, और आप यहीं से आपकी स्कूटी का डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर बाकायदा, तो ये सारी चीज़ें हो जाती है इसके अंदर, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, बहुत सी स्कूटियों में नहीं आता है, अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो और एक अच्छा प्रोडक्ट लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी चीज़ भी मिलती है, काफ़ी अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं, ये इसमें टेम्परेचर सेंसर आता है। देन आप फिल्टर भी कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, अलर्ट चेक करना है, जैसे बैटरी का वोल्टेज देख चेक करता हूँ तो मेरा बैटरी का वोल्टेज आ जाता है, ये देखिए पूरा बैटरी वोल्टेज आ रहा है, अगर जैसे मिनिमम है बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी चली नहीं तो मिनिमम, ये मैक्सिमम है, ये एवरेज है, ये रेड कलर में मैक्सिमम हो जाता है,
तो मेरी गाड़ी अभी तो रखी हुई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, हमारा कुछ दिखाएगा भी नहीं। ये सारी चीज़ें आती, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं, अलर्ट्स भी हैं इसके अंदर, जब हम कनेक्ट हो जाएंगे गाड़ी से, बिल्कुल पेयर हो जाएंगे ब्लूटूथ के, तो ये सारे अलर्ट्स हमको शो करेगा। देन हम थर्ड वाला ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें बैटरी से रिलेटेड अलर्ट मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें स्मार्ट BEMS सिस्टम दिया गया है, और यहाँ पर जियो फेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाएगी कि हम कहाँ पर हैं, हमारी गाड़ी कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती हैं जैसे हम सर्च करते हैं। देन ये अलर्ट्स का आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कि हमें टुडे आज कौन सी मिली, लास्ट वीक में कौन सी नोटिफिकेशन मिली, लास्ट मंथ तक कभी आप इसमें चेक कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे यहाँ पर हमारा ये जो थर्ड है ये यूज़र आ जाता है, जैसे कि ये मैंने अपने भाई का नाम, यूसेफ 60, मतलब आप चलते तो कितना आपको मिल जाएगा, देन यूसेफ DA 2800 रुपये, ये सारी चीज़ बता दी कि आप कितना कैसा सेव कर चुके हो, कितना क्या चीज़ कर सकते हो, और ये सारी चीज़ हमको यहाँ पर मिल जाती है, बैटरी से रिलेटेड अलर्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो यही सारी चीज़ थी इस ऐप में, और काफ़ी अच्छी गाड़ी है, आप इसको ले सकते हैं, काफ़ी शानदार गाड़ी है ये, इसका काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और आप इसको आपके नियरेस्ट शोरूम पे जाइए, टेस्ट करिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ जैसे कि आप जैसे लो बजट में 80-90 हज़ार की कोई स्कूटी देखते हैं, तो थोड़ा सा मतलब 10 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा देकर एक अच्छी क्वालिटी की गाड़ी लीजिए, और इसके बारे में जानकारी लीजिए कैसी गाड़ी है। आप नियरेस्ट डीलरशिप पे जाइए, वहाँ पे आप इसको चला कर देखिए, आपको फीडबैक अच्छा ही मिलेगा, और इसमें मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी आती है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे रिव्यू और क्या क्या इसमें रेंज है वो मुझे कैसी मिली, मैंने अपना चलाया वो कैसा है, क्योंकि क्या है कि मेरे घर में भी एक ये गाड़ी आने वाली है, तो मैं 15 या 16 तारीख को इसको अपने घर पे ही परचेस करने वाला हूँ, मतलब मैं नहीं, मेरे फैमिली में करने वाले हैं, तो इसके बाद मैं उसका फुल रिव्यू लेके आता हूँ, क्योंकि वो एक मेरे पास हो जाएगा अवेलेबल कि मेरे घर में गई गाड़ी, तो वो किस तरीके से बिहेव करी, किस तरीके से क्या है, वो सारी चीज़ मैं आपको रिव्यू दूंगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने एप्लीकेशन, ये तो अभी डेमो के तौर पर रखी हुई गाड़ी का मैंने आपको बताया है, गाड़ी आपकी रखी हुई है बाहर और फिर भी ये कनेक्ट हो गया है। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँगा ना, तो इस 1 वीक में जितना भी मेरा डाटा है सब, आपकी फैमिली में आप चाहते हैं कि किसी और पर्सन के पास ये आपकी सारी गाड़ी की डिटेल रहे, उनका मोबाइल नंबर एंटर है, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। देन आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के अलर्ट चाहिए, क्या क्या आपको चीज़ें चाहिए। तो यही था इसके बारे में, छोटा सा डेमो था मेरा, इसका फुल डेमो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे से पूछा इसमें जो एप्लीकेशन है वो किस तरीके से वर्क करती है, कैसे हमको कनेक्ट करना रहता है, वो सारी चीज़ें, तो उनके कहने पर मेरे को ये वीडियो बना रहा हूँ अभी मैं, वरना मैं इसका फुल रिव्यू बनाता कुछ टाइम बाद, मुझे टाइम लगेगा थोड़ा, अभी मैंने सिर्फ स्टार्ट किया अपना यूट्यूब चैनल, ज़्यादा मेरे को टाइम हुआ नहीं, अभी मुश्किल से 5 से 10 दिन ही हुए हैं अभी मेरे को, और अभी मैंने डीलरशिप तो मेरे को लगभग 1 साल होने को आया मेरे पास, और भी नॉन आर टी वाली गाड़ी भी है, उनकी भी डीलरशिप है, मैं इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, कितनी हमारी फ्यूचर में गाड़ियाँ आने वाली है इलेक्ट्रिक पे, या हमारी कंपनी की कितनी आ रही, अदर कंपनी की कितनी आ रही, वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा टाइम टाइम पर। तो आप बस मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे अपनी नई नई वीडियो लाने का। तो नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।